वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 22 जो कि है 24 अगस्त 2020 की। इसके अंदर हम 9th की वर्कशीट देखेंगे। पहले देखेंगे मैथ्स, फिर साइंस और फिर हिंदी। मैथ्स की जो वर्कशीट है उसके अंदर हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो ट्राइंगल से रिलेटेड चैप्टर है। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि इसके ऊपर हम वर्कशीट स्टार्टिंग से बनाएं, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर के ऊपर या टॉपिक के ऊपर पूरी वर्कशीट बनाएं, तो उसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ दिनों में हम इसके ऊपर भी पूरी सीरीज बना के एक वर्कशीट का डालेंगे, शीट्स का, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, टॉपिक बाय टॉपिक डालेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, थोड़ा वेट करें, बट आज की वर्कशीट थोड़ा ध्यान से समझें बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है और वो उसमें कॉन्टिन्यू होगा। तो आइए चलते हैं सीधा सीधा वर्कशीट की तरफ। यहाँ पर एंगल्स एंड प्रॉपर्टी का प्रूफ दे रखा है और नीचे कुछ प्रॉपर्टीज हैं और नीचे यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको मैं सीधा सीधा बोर्ड पे अभी समझाने वाला हूँ और फिर हम आगे चलेंगे साइंस की वर्कशीट की तरफ। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आइए अब देख लेते हैं जो थ्योरम दे रखी है उसका मतलब क्या है और उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं और वो बोल रहा है कि उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे कि ये, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, 2 और 3, इन तीनों का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे, ये थ्योरम भी है, आपको पता है एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, और आज हमें इसको प्रूफ भी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसको तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी ज़रूर प्रैक्टिस करें, बहुत चांसेस होते हैं इसके 3 नंबर के आने के। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहला लाइन आता है गिवन का जब भी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं और दूसरा लाइन आता है टू प्रूफ का, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मतलब 1, 2, 3 का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। तो गिवन क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है। यहाँ पर आप नाम कुछ भी ले सकते हो, जो वर्कशीट में दे रखा था वो पी क्यू आर दे रखा था, तो मैं इसलिए पी क्यू आर ले रहा हूँ, तो आप ए बी सी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ले लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर इज गिवन, ठीक है। तो ये तो गिवन हो गया। अब कई बार हमें क्या होता है, क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, पिछली वर्कशीट में भी हमने देखा था। अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, ये शॉर्ट फॉर्म है, CUNT पावर n, ठीक है, पावर नहीं है वो, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो हम पहले इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, एक लाइन पैरेलल यहाँ से भेजेंगे, किस पॉइंट से, पी पॉइंट से, इसको मैं एक्स वाई नाम दे देता हूँ, और जो कि होगी पैरेलल किसके, क्यू आर के। देखो पैरेलल वाली प्रॉपर्टीज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, प्लीज़ उनको रिवाइज करें। हम देखेंगे इसको फिर दोबारा सीरीज में हम चलाऊँगा, तो उसमें पिछली वाली वर्कशीट को थोड़ा ध्यान देंगे, ये आप ध्यान से इसको देख लें। तो ये क्या है, पैरेलल है, तो इनको भी मैं नंबर दे देता हूँ, ये वाले को नंबर दे दिया, देखो 1, 2, 3 दे दिया, इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो, ठीक है, 5 दे दिया। तो मैंने जो कंस्ट्रक्शन करी है, आप बताओ क्या करी, मैंने कंस्ट्रक्शन करी है एक्स वाई एक लाइन बनाई है जो पी से जा रही है, ड्रॉ लाइन एक्स पी वाई, पी से जा रही, तो उसने पी लिख दिया। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ड्रॉ लाइन एक्स वाई फ्रॉम पॉइंट पी, वो भी ठीक है, ड्रॉ लाइन एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर। तो ये मैंने क्यू आर से पैरेलल बनाई है, तो ये जो निशान होता है ना एरो, ये पैरेलल का निशान होता है। चलो अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको ध्यान दें, एक्स वाई और ये पैरेलल है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन एक है ये, ऐसे, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल, जो दो पैरेलल लाइन को जोड़े। तो अगर आप यहाँ से ध्यान दें, ये 4 आएगा और ये आएगा 2, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो मैं यहाँ पे प्रूफ लिख देता हूँ, हेडिंग डालेंगे प्रूफ, एज एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये लिखना होता है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, कौन सी प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, मैं थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि स्पेस मेरे पास कम है, आप पूरा पूरा लिखें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ देखें,
सेम एक्स वाई और क्यू पी। देखो स्किप करके मैं देखो वीडियो कि जल्दी से आंसर देख लें, उस तरीके से देखोगे तो भूल जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा, सिर्फ अभी के लिए काम बनेगा, आपका वर्कशीट पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं ये एंगल क्या है 5 और ये एंगल क्या है 3। देखो 5 और 3 भी सेम इसी तरीके से हो गया ना, हम वापस लिख देंगे एज एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर एंड ये क्या था पी पॉइंट था, पी आर इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल हो गया। तो एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल हो गए। ओके तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास। तो अब मेरे पास क्या है, ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन का हमें पता होता है कि ये 180 डिग्री होता है। एज एक्स पी वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, एज एक्स पी वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन बनती है तो एंगल जो है 180 डिग्री का होता है। ये देखो 180 डिग्री बन रहा, नहीं बन रहा, तो 180 डिग्री का होता है। तो एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो 4 किसके बराबर, 2 के बराबर, तो इसकी जगह पे मैंने 2 डाल दिया, 1 की जगह पे 1। 5 किसके बराबर, देखो 3 के बराबर, एंगल 3 180 डिग्री, ये देखो यही चाहिए था ना, 1 2 3 180 डिग्री, 1 2 3 180 डिग्री, ये हो गया आपका प्रूफ। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, पहली थ्योरम प्रूव हो गई। आगे बढ़ते हैं दूसरी थ्योरम की तरफ। दूसरी थ्योरम में मैंने लास्ट वाले में इसको यूज़ करा था, देख लेते हैं वो थ्योरम है क्या। मैं उसका प्रूफ नहीं करा रहा बिकॉज वो ज़्यादातर आती नहीं, बट उसका यूज़ बहुत है। तो जो सेकंड थ्योरम वर्कशीट में बताई है वो बोली है कि जो एक लाइन अगर एक्सटेंड कर दी जाए तो जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर वाले दोनों के बराबर होता है, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू प्लस 3 ये होता है। आपको अगर जानना है, प्रूव करना है, तो आप डी की मदद से इस एंगल को निकालो, इस एंगल को निकालो, इस एंगल को निकालो और चेक कर लो कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है। अब मैं इसको और वेरिएंट दिखा देता हूँ, ये लाइन इधर नहीं इधर भी निकल सकती है। तो ये वाला जो एंगल 1 होगा ऑपोजिट के दोनों, देखो इसको छोड़ के ऑपोजिट, इसको छोड़ के ऑपोजिट, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो सपोज करो मैं अब इस तरीके से बना देता हूँ, ये निकाल दी, अब मैं बहुत सारे नंबर डाल देता हूँ, सपोज करो 1 2 3 4। आप बताओ इसमें कौन किसके होगा, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसमें इस तरीके से क्या लिखेंगे। तो आगे आगे चलते हैं, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये जो हमने सीखी है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लेते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे है। तो पहले जो है आपको गिवन लिखना होता है, पहले मैं 1 कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने गिवन लिखा, गिवन में क्या है, एंगल टी क्यू पी, आप रीड कर लेंगे क्वेश्चन, तो उसमें भी लिखा हुआ था एंगल एस पी आर 135 डिग्री हो गया, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू फाइंड। देखो जब प्रूव करना होता है तो हम लिखते हैं टू प्रूव, जब हमें फाइंड करना होता है तो हम फाइंड, तो यहाँ पे लिखा हुआ था उन्होंने एक्स, तो हमने फाइंड करेंगे एक्स। चलो अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था लीनियर वेयर की प्रॉपर्टी देखी थी, ये और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे, इसे कहते हैं लीनियर पेयर, मैं LP बोलता हूँ इसको, लीनियर पेयर। तो पहले मैं इसकी मदद से ये वाला निकाल दूंगा, निकाल देते हैं हम, इसको लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन एंगल टी क्यू पी प्लस अंदर वाला क्या, पी क्यू आर इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर। आप पूरा लिखना लीनियर पेयर। इसी तरीके से आप ये वाला भी निकाल लो, दूसरा एंगल एस पी आर। अच्छा यहाँ से इसकी वैल्यू तो निकाली नहीं हमने, सॉरी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है,
टी क्यू पी क्या है? टी क्यू पी की वैल्यू 110, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. 180 डिग्री उधर जाएगा, एंगल पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110, पी क्यू आर की वैल्यू आ गई 70 डिग्री. तो ये वाले एंगल की वैल्यू आ गई 70, ये जो मैंने शेड कर दिया. ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे भी निकाल देंगे. तो यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम है तो ये मिटा देता हूँ मैं. एंगल एस पी आर, एस पी आर प्लस एंगल एस पी आर आया आर पी क्यू, आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री. प्रॉपर्टी क्या आ गई? लीनियर पेयर. ठीक है, एस पी आर कितना है? 135 डिग्री. आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 135. एंगल आर पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आया, 40 40 45. अब मुझे पास ये भी मिल गया, ये भी मिल गया. अब एक ट्राइंगल का हमें पता है कि एंगल सम होता है 180 डिग्री. इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी, पूरा लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल पी कितना? ये रहा 45 डिग्री. एंगल क्यू कितना? 70. आर कितना? एक्स 180 डिग्री. अगर समझ में ना आ रहा हो तो थोड़े पीछे जाके फिर दोबारा देखो वीडियो को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो इसको हम प्लस करेंगे, ये आएगा 115 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 115 कितना आ जाएगा? 65. यहाँ पर 20, या एक्स की वैल्यू आ गई 65 डिग्री. तो ये आपका पहला आंसर हो गया. आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या गिवन है? बहुत कुछ गिवन है, क्वेश्चन रीड कर लेना. मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है. पहली चीज़ उन्होंने गिवन थी एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री है. ठीक है, और एक चीज़ गिवन थी एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री गिवन है. तीसरी चीज़ गिवन थी एंगल एस पी क्यू परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर का मतलब होता है, ये होता है निशान परपेंडिकुलर का, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, याद रखें. ठीक है, वो बोल रहा था एस पी और पी क्यू परपेंडिकुलर है, तो मतलब पी जो हो गया वो 90 डिग्री है. तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पर लिख भी दूंगा अपने लिए. तो एंगल क्यू क्या, सॉरी एंगल पी क्या हो गया? 90 डिग्री. और एक चीज़ गिवन थी, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, भूलना मत. एस आर और एस टी भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये दोनों मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी. फाइंड क्या करना है? एक्स और वाई, ये लिख दिया. अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं. अब सॉल्यूशन पे क्या है, ये देखो ये बाहर एंगल है ना, तो मैं इसमें दो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, आपको जो मन करे वो यूज़ करो. ये बाहर एंगल है, ये 28, तो अभी अभी हमने देखा था ये और ये दोनों के बराबर होता है, तो मैं उससे भी निकाल सकता हूँ. दूसरा तरीका, ये दे रखा है तो ये निकालो और फिर कर लो. मेरे को देखो बाहर वाला प्रॉपर्टी जो है ज़्यादा समझ में आती है, आपको जो तरीका समझ में आया वो कर सकते हैं. तो मेरे को ये एंगल चाहिए, ये वाला, ये मैं शेड कर रहा हूँ डार्क, मुझे ये वाला एंगल चाहिए. तो मुझे पता है इन ट्राइंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर एंगल एस प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी, बाहर वाला. ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एंगल एस कितना है मुझे पता ही नहीं है, तो एंगल एस लिख देंगे. एंगल क्यू कितना है? 28, तो लिख देते हैं. एंगल ये हो गया 65, तो एंगल एस हो गया 65 माइनस 28, तो यहाँ पे दो बढ़ाएंगे 30 हो गया, और 37 ये आ गया 37 एंगल एस. ठीक है, तो मुझे ये वाला एंगल मिल गया 37. मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे मैंने निकाला है. तो आप अपनी नोटबुक में पेंसिल से लिख सकते हैं. चलो अब ये मिल गया मुझे,
अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, ये और ये लाइन पैरेलल है। देखो पैरेलल जब भी दे देता है तो चांसेस होते हैं वो पैरेलल वाली प्रॉपर्टीज लगने के। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों लाइन पैरेलल है, पी क्यू और एस आर, और ये लाइन देखो यहाँ जुड़ रही है, बन गया ना जेड। तो जेड जैसे बन जाता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग जाते हैं। तो देखो ये वाला एंगल कौन सा था, 37, ये कौन सा था, एक्स। बढ़िया, एक्स हो गया 37। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो जगह कम पड़ जाती है बस, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एस पी क्यू पैरेलल टू एस आर, एस क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, लिखना इम्पोर्टेंट है। तो एक्स इक्वल्स टू 37 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी, यस बहुत बढ़िया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आ गया मेरे पास एक्स। अब वाई की बारी, तो मैं ये जगह मिटा रहा हूँ ताकि हम वाई को ढूंढ सकें वहाँ पर। ओके, वन क्वेश्चन हो चुका है हमारा। हो, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ये वाई पे चलते हैं। ये एक्स 90 और वाई एक ट्रायंगल में है ना, ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, बन रहा। तो ये वाले ट्रायंगल में हम देख देंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस। ठीक है, पी क्यू एस में आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्स कितना, 37, वाई कितना निकालना है, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं, 180। तो इन दोनों को प्लस करके उधर भेज दूंगा, 180 माइनस, ये कितना आ जाएगा, 127 डिग्री। 127 डिग्री, वाई की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, ये कितना हो गया, 3 बढ़ाऊंगा यहाँ पर, और 30 हो जाएगा 50, 53 डिग्री। तो वाई की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। तो प्रैक्टिस करें, जो एग्जांपल में जो क्वेश्चन दे रखा है वो आप खुद करने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अभी चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। अब चलते हैं साइंस की वर्कशीट की तरफ। साइंस की वर्कशीट में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ सेल, और उसके अंदर हम देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब हो गया सेल के पार्ट्स। इसके अंदर हम देखने वाले हैं व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है आज की वर्कशीट के एंड में। तो ध्यान रखें, प्रोटोप्लाज्म का हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हम ऑर्गेनल्स देखते हैं और क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है, एक इंसान, एक लिविंग बींग, ह्यूमन हो गया या प्लांट हो गया या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सेल भी हो गया, तो उसको लाइफ मतलब जिंदा होने के लिए कुछ प्रोसेसेस करता है। वो क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं आप खुद सोचें। आप ब्रीदिंग करते हैं तो रेस्पिरेशन हो गया, आप खाना खाते हैं तो न्यूट्रिशन हो गया, उस तरीके से एक्सक्रीशन हो गया तो, और रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हो जाते हैं जो कि इंसान या जानवर या प्लांट या कोई भी ऑर्गेनल ऑर्गेनिज्म को लिविंग प्रोसेसेस कहते हैं, उसको जिंदा रहने के लिए प्रोसेसेस। तो आगे इन्होंने बताया है थ्री फीचर्स एक सेल के क्या है। पहला है इंपॉर्टेंट की फीचर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन भी थी, मैं इसको इमेज में भी दिखा देता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है। तो यहाँ पर ये जो बाहर की जो आउटर कवरिंग है इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल है और ये बाहर है इसके। मेम्ब्रेन मतलब हो गया कवरिंग। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, लास्ट वर्कशीट का डाउट था कुछ बच्चों का, ये अलाउ करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स सराउंडिंग से अंदर जाने के लिए अलाउ करती है इसे, इसीलिए इसको परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते थे, सिलेक्टिव परमिएबल, सबको अलाउ नहीं करती, कुछ हार्मफुल चीजें आती हैं तो उसको मना कर देती है। तो आगे देख लेते हैं, सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक तरीके से लिक्विड होता है, द फ्लूइड इनसाइड द सेल दैट कवर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। आइए इसको फोटो में भी देख लेते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। तो ये जितना भी आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये रहा साइटोप्लाज्म, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। तो जितना भी आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है कलर्ड पर्पल कलर का, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पे देख लेते हैं प्लांट सेल में, ये जितना भी आपको ये ग्रीन कलर का ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है पूरे सेल में, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसे कहते हैं फ्लूइड।
सो फ्लूइड जो है इनसाइड द सेल दैट कवर्स बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस देर आर स्पेशलाइज वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स. देखो न्यूक्लियस तो हो गया हेड मतलब ब्रेन, लेकिन उसके नीचे भी कुछ काम करने वाले पार्टनर्स होते हैं बेसिकली, जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स. कौन कौन से हैं सेल ऑर्गेनल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, गॉल्गी बॉडीज हो गए, लाइसोसोम्स हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, मीटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो इनके बारे में हम आने वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे, तो इनकी डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा, बस इनके नाम आप समझ लें कि ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनल्स. उसके अंडर आते हैं, ये भी स्पेशलाइज्ड काम करते हैं कुछ, इनका हर किसी का एक काम होता है, जैसे आपके हाथों का कुछ काम है, लेग्स का कुछ काम है. ईच सेल ऑर्गेनल्स कैरी आउट सम क्रूशियल स्पेसिफिक फंक्शंस. क्या क्या काम हो सकते हैं, प्रोडक्शन पैदा करना है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, एनर्जी, वेस्ट डिस्पोजल, ये सारे के सारे इनके काम होते हैं. सो द लिविंग पार्ट ऑफ सेल, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, ये एक क्वेश्चन का आंसर भी है. द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, जो हमारा टॉपिक था. तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म एक सेल का लिविंग पार्ट है. देखो जैसे हमारी बॉडी है, पूरी बॉडी है, बॉडी के अंदर सब कुछ, आंख, आपके ऑर्गन, सब कुछ, सबको मिला दिया जाए तो वो पूरी बॉडी मिल जाती है ना, उसी तरीके से सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट है, मतलब न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो, इन सबको बना दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. आगे बढ़ते हैं. अब इन प्रोटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोसेसेस होती हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मतलब फूड को जो हम डीकम करते हैं, उसको एनर्जी निकालते हैं, ग्लूकोज निकालते हैं, जब हम खाना खाते हैं उसमें से जो एनर्जी प्रोसेस निकलती है, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस. उसी तरीके से सेल में भी यही चीज होती है, टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस बाय लिविंग बींग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. इन दीज केमिकल रिएक्शन ईदर सम सब्सटेंस इज फॉर्म्ड लाइक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, देखो यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, और सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन, टूट रहा है, लाइक ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी. तो ये सारे के सारे क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस. देर आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, हमेशा होते रहते हैं. आपका अभी हम आप वीडियो देख रहे हैं, अभी भी आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, आपने खाना खाया होगा, उसको डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ही होती हैं. मेटाबॉलिज्म इज अ जनरल टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ अ सेल एंड द ऑर्गेनिज्म. सो कई बार डॉक्टर भी बोलते हैं कि किसी का मेटाबॉलिज्म खराब है, तो उसको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, उसका मतलब ये होता है कि उसका डाइजेशन सिस्टम प्रोसेस में गड़बड़ हो रही है, वो ढंग से डाइजेशन नहीं कर पा रहा. यहाँ पर दो सेल्स दे रखे हैं, एक प्लांट सेल है ये, और एक एनिमल सेल, जो कि आप आराम से देख लें, इनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, और नेक्स्ट वर्कशीट में हम इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे. आगे चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, लेबल देम. तो आपके सामने अभी अभी हमने देख लिया था, ये जो दो डायग्राम यहाँ पे दे रखे हैं, इनको आपको ड्रॉ करना है. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, गिव वन एग्जांपल. तो एक एग्जांपल भी देना है. तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है, ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड द सेल आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. ऑल द, दीज की जगह पे द आएगा, यहाँ पर ध्यान रखें. और कौन सी एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे ब्रेकिंग ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी. तो ये एक एग्जाम्पल भी आपको हमने बता दिया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. तो यहाँ से आप देख भी सकते थे और आपको अच्छे तंग से समझ में आ जाए, ये आपको सामने इमेज आपको आ गई होगी, तो इसमें से आप पढ़ के आप आंसर लिख सकते हैं अपना. तो बेसिक डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल में जो बहुत ही बेसिक है, सबको पता होना चाहिए, वो होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. क्यों नहीं होती, क्योंकि प्लांट्स एक ही जगह पे होते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है. और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप यहाँ से देख लें. नेक्स्ट है, वेयर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड, द फ्लूइड इनसाइड द सेल दैट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तो आपको यहीं पे लिखना है,
तो कहाँ पर है? सेल के अंदर है ऑब्वियसली, यहाँ पे फ्लूइड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, वो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, वही उसकी लोकेशन है। तो साइंस की वर्कशीट में इतना ही। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, बेल का आइकन जरूर दबाएं। और अभी आगे चलते हैं हम अपनी हिंदी की वर्कशीट की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, अब आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं। ये है आपकी कार्य पत्रक नंबर 22, वर्कशीट 22। ये 24 अगस्त की वर्कशीट है। ये जो वर्कशीट है, ये आपका जो एक पार्ट है सांवले सपनों की याद, उसी की कंटिन्यूएशन में है। हम ऑलरेडी एक वर्कशीट इस पर कर चुके हैं, तो उसी में ही, उसी पार्ट में से आपको एक और गद्यांश दिया गया है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो जल्दी से ये गद्यांश पढ़ लेते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो इस वर्कशीट में आपको नीचे ये जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उनके मीनिंग भी दिए हुए हैं। तो मिथक का मतलब यहाँ पर दिया गया है वैसी प्राचीन कहानी या उसके पात्र जो नई स्थितियों में नए अर्थों को प्रकट करते हैं, मिथक कहलाते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो मिथकों की दुनिया में, तो ये आपके पाठ में ही कंटिन्यूएशन है, तो उसकी दुनिया में इस सवाल का जवाब, जो सवाल उसमें पूछा गया था पाठ में पहले, उसका जवाब तलाश करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले हमें ये देखना होगा, एक नजर हमें किस पर डालनी होगी, हमें डालनी होगी कमजोर काया। काया मतलब कि शरीर, मतलब कि उनका बाहरी बिल्ड कैसा है, शारीरिक बनावट कैसी है। तो वो जो कमजोर सी है, ये कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं, जिनका नाम सालिम अली है। उम्र को क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। तो जो उनकी उम्र थी, वो 100वें साल में थे, तो कुछ ही दिनों में वो 100 साल के हो जाने वाले थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। तो अगर आपको याद हो तो पिछली वर्कशीट में हमने ऑलरेडी ये डिस्कशन किया था कि लेखक जो हैं वो सालिम अली के मरने के बाद में, मरने के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो सालिम अली थे, एक बर्ड साइंटिस्ट थे, वो पक्षी वैज्ञानिक थे और बहुत ही ज्यादा उनके अच्छे मित्र थे। तो उनके बारे में उन्होंने, लेखक ने यहाँ पर लिखा है, और उनके मरने पर, उनके मरने के बारे में यहाँ पर लिखा है, उनकी मृत्यु के जो आखिरी पल थे उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। तो लेखक यहाँ उनकी मृत्यु का कारण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि जो लंबी यात्राएं वो करते थे, क्योंकि वो एक बर्ड साइंटिस्ट थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, तो उसकी वजह से जो लंबी लंबी यात्राएं करते थे और उसकी वजह से जो थकान हो जाती थी, और थकान होने से शरीर जो कमजोर हो जाता था, तो हो सकता है कि वो उनकी अः उनकी अभी आज की जो हालत है वो उनका, उसका कारण बना हो। साथ ही साथ उन्हें कैंसर भी था। तो यहाँ एक और कारण बताते हैं लेखक की, उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी थी। तो यहाँ पर जो है लेखक सालिम अली की मौत का कारण की चर्चा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के लिए, हिफाजत के प्रति समर्पित थी। तो ऐसा नहीं था कि अंतिम समय में उनकी सालिम अली की जो आंखें थी, उनकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी। तो जो उनका आंखों की चमक जो थी, उनकी आंखों की जो रोशनी थी, जिसमें दिखाई पड़ता था कि वो पक्षियों की तलाश में कैसे जुटे रहते हैं, और साथ ही साथ ये दिखाई पड़ता था कि पक्षियों की हिफाजत के प्रति कितने समर्पित हैं, कितना ज्यादा उनका डिवोशन है पक्षियों के प्रति, वो उनकी आंखों में जो नजर आता था। तो ऐसा नहीं था कि उनका अंतिम समय आ गया था तो वो चमक कहीं चली गई थी, वो रोशनी कहीं चली गई थी, ऐसा नहीं था। तो मौत जो थी, आने वाली मौत जो थी, वो उनकी आंखों से अंतिम समय तक भी वो रोशनी जो थी, वो चमक जो थी, वो जिज्ञासा की चमक जो थी, वो छीन नहीं पाई थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। तो जो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि सालिम अली जो थे वो पक्षियों से कितना ज्यादा लगाव रखते थे, तो वो हमेशा ही पक्षियों के बारे में जानने में उत्सुक रहते थे, बहुत ही ज्यादा उन्हें जिज्ञासा रहती थी और हमेशा उन्हें दूरबीन से देखते रहते थे। तो उनकी आखिरी पलों तक भी उन्हें इंटरेस्ट रहता था कि
पक्षी को वो ढूंढे उनके बारे में और जाने। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनके मरने के बाद ही तो ये दूरबीन उतर पाई थी, उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। तो बर्ड वॉचर वो होता है जो पक्षियों का अवलोकन करता है, पक्षियों का एनालिसिस करता है और पक्षियों को देखता है और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। तो ऐसा नहीं था कि सालिम अली जब देखिए वहां पर वो दूरबीन लगा के पक्षियों को ही देखते रहते थे, लेकिन कुछ कुछ क्षण ऐसे भी होते थे जब उनका मन बहुत ही शांत होता था, उनका दिमाग बहुत ही शांत होता था, और ऐसे क्षणों में सालिम अली को बिना दूरबीन के भी देखा गया है, उन्हें अपने मन में झांकते हुए भी देखा गया है। तो वैसे तो मैंने आपको सारे ही इम्पोर्टेंट वर्ड समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई शब्द आपको नहीं समझ आया हो तो यहाँ वर्कशीट में आपको महत्वपूर्ण शब्दावली यहाँ पर दी गई है। तो एकांत का मतलब यहाँ अकेलापन। तो जब वो अकेले होते थे तो ऐसा भी देखा गया है कि सालिम अली जो थे वो बिना दूरबीन के रहते थे और वो एकांत में अकेले में वो अपने ऊपर मनन करते थे, अपना अपने ऊपर वो सोचते थे, रिफ्लेक्शन करते थे। तो इसी पैसेज पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, जल्दी से ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कमजोर काया वाले व्यक्ति का नाम क्या था? बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर जैसे ही इंट्रोडक्शन शुरू होता है तो हम कहते हैं कि एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, कमजोर काया वाले व्यक्ति का नाम सालिम अली था। ये आपका उत्तर एक हो जाता है। अब चलते हैं आपके प्रश्न दो पर। प्रश्न दो आपका कहता है, लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के किन कारणों पर चर्चा की है? तो यहाँ प्रश्न दो का उत्तर है, लेखक ने लंबी यात्राओं से होने वाली थकान से शरीर में कमजोरी और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को सालिम अली की मृत्यु का कारण बताया है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब चलते हैं प्रश्न तीन पर। प्रश्न तीन आपका कहता है, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। इस पंक्ति में किस रोशनी की बात की गई है? आप अपने विचार लिखिए। तो अगेन मैं ऑलरेडी ये समझा चुकी हूँ कि इस पंक्ति का क्या मतलब है, तो मैं जल्दी से आपको यहाँ पर उत्तर बता देती हूँ कि यहाँ पर कौन सी रोशनी की बात की गई है जब हम कहते हैं कि मौत उनकी आंखों से रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। तो इस पंक्ति में आंखों में रोशनी का मतलब है सालिम अली की आंखों में उनके आखिरी पलों तक भी पक्षियों के प्रति जिज्ञासा और समर्पण की चमक थी। तो वो उनकी हिफाजत करना चाहते थे और वो उनके प्रति बहुत ही उत्सुक रहते थे ये जानने के लिए कि क्या चल रहा है और कौन सा पक्षी है, और उनकी सुरक्षा करते थे, वो उनकी हिफाजत करते थे और जिंदगी को उनके लिए जीने का जो जज्बा था, तो ये जो चमक थी उनकी आंखों की, ये रोशनी का मतलब यही है। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। तो आपका प्रश्न चार यहाँ पर कहता है, गद्यांश में आए विशेषण शब्दों को छांट कर उनके भेदों का नाम लिखिए। तो आपको फिर से गद्यांश एक बार ध्यान से देखना है और उसमें जहां जहां जो विशेषण आए हैं वो आपको पहचानने हैं और फिर उनके भेदों का नाम लिखना है कि ये कौन सा विशेषण है। तो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण होते हैं इंग्लिश में अगर बोलें तो एडजेक्टिव्स। तो वो संज्ञा जो है, नाउन जो है, उनकी विशेषताएं बताते हैं। तो मैं जल्दी से हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर कौन से विशेषण है और फिर हम उनके भेद भी देख लेते हैं। तो अगर मैं गद्यांश जल्दी से पढ़ूं तो, मिथकों की दुनिया में इस सवाल, तो कौन सा सवाल? तो इस सवाल। तो इस जो है यहाँ पर वो सार्वनामिक विशेषण है और सवाल जो है यहाँ पर संज्ञा है। तो वो सवाल की विशेषता बता रहा है, कौन सा सवाल? इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर, कौन सी नजर, कितनी नजर, एक नजर, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। नजर कमजोर काया, तो कैसी काया है उनका शरीर का, कैसा बनावट है, वो कमजोर थे बहुत वाले। उस व्यक्ति, तो कौन सा व्यक्ति, उस व्यक्ति, ये फिर से सार्वनामिक विशेषण है, पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन, तो यहाँ पर थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, कितने दिन बच रहे थे, थोड़े ही दिन, तो ये संख्यावाचक विशेषण है यहाँ पर। संभव है लंबी यात्राओं, तो लंबी कौन, कैसी यात्रा है, लंबी, तो ये गुणवाचक विशेषण है यहाँ की, थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, कैसी बीमारी है, जानलेवा, तो फिर से ये गुणवाचक है, उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक, तो समय कैसा था,
अंतिम था, बिल्कुल आखिरी समय तक मौत, तो ये फिर से गुणवाचक विशेषण हो जाता है, उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। कौन सी रोशनी? वह रोशनी, तो ये फिर से सार्वनामिक विशेषण है जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। कैसा? उन जैसा। तो फिर से बर्ड वॉचर की विशेषता बता रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन एकांत क्षणों में। कैसे क्षण थे? एकांत थे, बहुत ही अकेले जो पल थे उनके, अकेले जो क्षण थे, सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको प्रश्न चार का उत्तर भी यहाँ पर लिखकर दिखा दिया है और अभी डिस्कस भी कर लिया है। अब आगे चलते हैं आपके प्रश्न पांच पर। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न पांच जो है आपका, यहाँ पर उसे यहाँ मिसप्रिंट है और यहाँ पर भी चार ही लिखा है, पर ये एक्चुअली में पांच है। तो अगेन ये गतिविधि है, एक एक्टिविटी है। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या आपने भी मोबाइल टीवी आदि से दूर रहकर एकांत के क्षणों को महसूस किया है? आप एकांत में क्या महसूस करते हैं, अपने विचार लिखिए। तो क्या कभी ऐसे भी पल आए हैं, ऐसे भी क्षण आए हैं जब आपने भी अकेले में रहकर कुछ महसूस किया हो, आपने टीवी मोबाइल इन सब से थोड़ा दूर रहकर कुछ ऐसे पल बिताए हो जो बहुत ही एकांत हो, बहुत ही शांत हो, और ऐसे में आप क्या महसूस करते हैं, आपको अपने वो विचार यहाँ लिखने हैं। तो हम यहाँ पर जल्दी से एक सैम्पल आंसर आपको दिखा देते हैं जो आप लिख सकते हैं, लेकिन इससे आप इंस्पिरेशन लेके आप अपने विचार जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगता है, कभी क्या आपने ऐसे अकेले क्षण या एकांत के क्षण महसूस किए हैं। तो यहाँ पर सैम्पल आंसर में हमने लिखा है, कभी कभी मैं जब रात के खाने के बाद अपने घर की छत पर टहलता हूँ तो एकांत महसूस करता हूँ, और अगर ऐसी रात में पूर्णिमा का चांद निकला हो तो मन को बहुत सुकून मिलता है। हालांकि रात में कीड़े बोलते सुनाई पड़ते हैं, फिर भी प्रकृति में एक अलग सी शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो हल्की हवा में झूमते पेड़ लोरी सुनाते हुए सोने को कह रहे हों और चमकता चांद सपने देखने के लिए अपनी ओर बुला रहा हो। ऐसे क्षणों में गहरी सांस लेकर मन शांत महसूस करता है। तो ये तो है हमारे विचार, लेकिन आप इनसे इंस्पायर होकर, इनसे आइडिया लेकर आप अपने विचार लिख सकते हैं कि जब आप एकांत के क्षण महसूस करते हैं तो आपको कैसा लगता है, तब आप क्या क्या फील करते हैं, और ऐसे कौन से क्षण होते हैं जब आप ऐसा महसूस करते हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई हो। कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।